बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर खान्स की बात करें तो रियल लाइफ में बॉलीवुड के तीनों खान कई बार एक दूसरे की तारीफ करते नजर आ चुके हैं। इसके अलावा आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान एक दूसरे की प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है शाहरुख खान ने आमिर खान की अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा का टीजर देखने के बाद एक बड़ा ऐलान किया है। आमिर खान ने अपनी अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए आमिर खान ने लिखा है, क्या पता हम में है कहानी या कहानी में हम। 30 सेकंड के इस वीडियो में लाल सिंह चड्ढा का लोगो नजर आ रहा है। इसके अलावा फिल्म के रिलीज की भी घोषणा हो गई है। ये फिल्म क्रिसमस 2020 को रिलीज होने वाली है। आमिर खान के इस वीडियो पर शाहरुख खान का भी रिएक्शन आया और शाहरुख खान ने लिखा है, यार तुम ही पूरी कहानी हो, प्रयास और कड़ी मेहनत के लिए शुभकामनाएं। और बताना चाहेंगे आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ शाहरुख खान का एक बड़ा कनेक्शन है। वो बड़ा कनेक्शन क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल शाहरुख खान की रेड चिलीज बीएफएक्स ने आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के साथ कोलैबोरेशन किया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था, हाँ है कहानी है हम लाल सिंह चड्ढा का पार्ट बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि शाहरुख खान ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में अपनी बीएफएक्स कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, जिसकी वजह से ये दोनों खान इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं। लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो ये काफी अलग कहानी होने वाली है और ये हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक होने वाला है। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे साल 2018 के दिवाली के मौके पर आमिर खान की फिल्म ठग सुबह हिंदुस्तान रिलीज हुई थी और ये फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद कई तरह की खबरें आई जिसमें आमिर खान के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन वो सभी खबरें बेबुनियाद निकली। आमिर खान अब लाल सिंह चड्ढा का हिस्सा बन चुके हैं और इस फिल्म को लेकर अब दर्शकों की उम्मीदें काफी हद तक बढ़ी हुई हैं। क्रिसमस 2020 को रिलीज होने वाली आमिर खान की ये फिल्म काफी मायने में खास होगी, क्योंकि मिस्टर परफेक्टनेस अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहते। नतीजन ये फिल्म में आमिर खान का कुछ अलग अंदाज हमें देखने को मिल सकता है।